कोरोना महामारी के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सीमा पर गतिरोध, कोरोना वायरस महामारी से निपटने और साथ ही आर्थिक स्थिति जैसे कई मुद्दे छाए रहने की संभावना है। और इसके साथ ही आज राज्यसभा के उपसभापति के लिए वोट भी डाले जाएंगे, जिसमें जेडीयू के हरिवंश और मनोज झा आमने सामने हैं। कोरोना वायरस महामारी की छाया के बीच संसद सोमवार से 18 दिन के लिए मॉनसून सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्र ऐसे समय पर आयोजित हो रहा है जब देश में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार की नजर 23 विधेयकों पर चर्चा और इसे पारित कराने पर है। इसमें 11 ऐसे विधेयक भी हैं जो अध्यादेशों का स्थान लेंगे और इनमें से 4 विधेयकों का विपक्षी दल विरोध कर सकता है। ये चारों विधेयक कृषि क्षेत्र और बैंकिंग नियमन से जुड़े अध्यादेश का स्थान लेंगे। और साथ ही ये भी बता दें कि इसके अलावा विपक्षी दलों ने कोरोना महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की स्थिति और लद्दाख में सीमा पर चीनी आक्रामकता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला किया है। राज्यसभा के उपसभापति का भी चुनाव होगा। ऐसे समय में संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है जब कोरोना के मामले भी लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से कमर कसकर तैयार है घेरने के लिए सरकार को, और विपक्षी दल बहुत सारे विधेयक हैं जिनमें से 3 विधेयक जो बैंकिंग से जुड़े हुए हैं उनका विरोध जरूर करेंगे। और इसी खबर पर अधिक बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, देखिए कोरोना काल में संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है, विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है, किस प्रकार से पूरा सत्र रहने वाला है, आपकी जुबानी। देखिए, कोरोना काल का पहला संसद का सत्र है जी, और माना जा रहा है कि इसमें सब कुछ चीजें बदली बदली से नजर आएगी। पहली बार प्रश्नकाल नहीं होगा। संसद सत्र शुरू होने से पहले लगभग 4,000 लोगों का टेस्ट किया गया है, साथ में जो सांसद कोरोना टेस्ट कराकर आएगा उसे ही सत्र में प्रवेश किया जाएगा। सर्वदलीय बैठक नहीं होगी और लगभग 47 विधेयक सरकार इन दिनों में पेश करेगी। हालांकि बहुत सारे विधेयक ऐसे हैं जिनका विपक्ष फुलपूर तरीके से विरोध करेगी। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के दौरान जो हालात रहे हैं उसको लेकर विपक्ष पूरा कोशिश करेगी सरकार को घेरने का। तो इन्हीं सब बातों को लेकर जो है संसद के सत्र हो रहा है। हालांकि जो कई विधेयक है जिनमें लगभग 11 विधेयक ऐसे हैं जो अध्यादेश की जगह है, सत्र के पहले दिन राज्यसभा में उपसभापति पद के जो चुनाव होना तय है जैसे मनोज झा और एनडीए के हरिवंश के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है, ये आज अहम बातें हैं। बिल्कुल, लेकिन ये सत्र वाक्य में बहुत कुछ इसमें बदलाव देखने को मिलेगा आज जी। मंशा बिल्कुल नीरज जी, देखिए जिस प्रकार से कोरोना के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि भले ही सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं देश में जो खतरा है उसे कम करने के लिए, साथ ही चीन का जो मुद्दा है कहीं ना कहीं विपक्ष बिल्कुल घात लगाकर बैठा है उस मुद्दे पर भी। हालांकि देखिए बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके तहत ही आगे की रणनीति बनाई जाती है, लेकिन इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्ष पूरी तरीके से तैयार। देखिए, विपक्ष ने भी तैयारी की है ना, सत्ता पक्ष ने भी इससे निपटने की पूरी पूरी तैयारी की है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए विपक्ष का काम सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरना है और उनको उठाना है ताकि सरकार अच्छे तरीके से काम कर सके, त्वरित तरीके